हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आएंगे आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, और कुछ गाइडेंस भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। कई बार हम उस रिश्ते में बने रहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपसे रेजोनेट करते हैं, आप सिर्फ उसी को फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने पार्टनर को याद करिए, जिसको भी आप जिसके लिए भी आप देख रहे हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ओके, 1 से 15 सितंबर तक कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, ओवरऑल कैसे जाएंगे आपके ये 15 दिन। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। अभी की प्रेजेंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है, 1 से 15 सितंबर। अभी की सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्टिंग हुई है। कोई नया पार्टनर लाइफ में आया है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन है, प्यार है। ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत आपने अपनी ज़िंदगी की है, अपनी लव लाइफ की है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो, बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ में ऐसा पल आया है कि आपका आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, या आपको ऐसा कहूँगी कि ऐसा पार्टनर मिला है जो कि आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपके इमोशंस की परवाह करता है, आपको हर वक्त सपोर्ट करता है। मतलब बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है। फ्लर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो फैंटेसी दुनिया है, ये तो मतलब ड्रीम में होते हैं ऐसे पार्टनर तो, लेकिन नहीं, सच में आपको ऐसा पार्टनर मिला है। और मुझे जो लग रहा है एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ दिख रही है, कोई नया पार्टनर ही लाइफ में आया है जिसकी वजह से ये है। और अगर पहले ही आपका कोई पार्टनर था तो वो अभी इस वक्त उनमें बहुत चेंजेस आपको दिख रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा वो लविंग हो गए हैं, केयरिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी आपकी केयर करना, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, सरप्राइज़ देना, ये भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। 1 से 15 सितंबर में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि और ज़्यादा आप दोनों का जो एक रिश्ता है, वो बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है आने वाले टाइम में। इन 15 दिनों में आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा समझोगे और ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं मेरा कोई तो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कोई सॉलमेट कनेक्शन है। मतलब ऐसा कनेक्शन आप फील करने वाले हो आपके पार्टनर को लेकर। आप दोनों में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं देख पा रही हूँ इन 15 दिनों में। और ये मतलब आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन ने मुझे ब्लेस किया है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप फील करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि एक पूरी तरह से कंप्लीट ट्रस्ट होना किसी पर,
तो वृषभ राशि में ये भी देख पा रही हूँ कि आप आपके पार्टनर से उतना शेयर नहीं करोगे, कुछ सिक्रेटिव आप बन सकते हो, अपने सीक्रेट्स रख सकते हो अपने पास में और इंतज़ार कर सकते हो सही टाइम का कि तभी मुझे बोलना है, तभी मुझे बताना है, अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो ये 15 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे आपके जा सकते हैं, एक अच्छी रोमांटिक लाइफ आप जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेगी? तो यस, जैसा कि मैं जस्टिस कार्ड से देख पा रही हूँ कि बहुत ही जितने वो एफर्ट्स डालेंगे, जितने आप एफर्ट्स डालोगे उतनी ही आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। और देख लीजिए, आपके पार्टनर तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत तरह से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ वो हर सब चीज़ छोड़ कर आने को तैयार होंगे। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक बैलेंस रिश्ता, एक देखिए ये दोनों एनर्जी जो होती है येन और यांग की, वो बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, तभी कोई भी रिश्ता बहुत अच्छा होता है। तो इस रिश्ते में ग्रोथ नज़र आ रही है, प्यार नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, आपकी तरफ आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारे सपने वो आपको फ्यूचर के लिए दिखाने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस तो देखना वो करने ही वाले हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ, तो ये प्रॉमिस करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में मैं देखूँ तो यस, आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने टाइम बाद, मतलब आपको ऐसा लगेगा इतने जो भी मेरे पहले रिलेशन रहे हैं, जो भी मेरे एक्स रहे हैं, सबने मेरे साथ चीट किया था, बट मैंने ऐसा पर्सन नहीं देखा अपनी लाइफ में जो कि मुझे इतना प्यार करे, मेरी इतनी वैल्यू करे। तो एक्चुअली जो होता है ना कि एक परफेक्ट पार्टनर मिलना लाइफ के लिए, आपको लगेगा कि यस ये परफेक्ट है, ये ऐसा इंसान है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मेरी मेरी हर सवाल का जवाब है ये। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन 1 मिनट में निकाल सकता है, ऐसे निकाल दिया इसने मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। और कहीं ना कहीं ऐसा एक विश्वास हो जाता है ना किसी को लेकर कि नहीं ये पर्सन परफेक्ट है मेरे लिए, एक इंट्यूशंस आते हैं, आपको लगेगा ये डिवाइन ने ही मुझे कनेक्शन दिया है, इसको मुझे रखना है अपने पास। तो वो कनेक्शन आप फील करने वाले हो, शादी तक भी आप इस पर्सन के लिए सोच सकते हो इन 15 दिनों में, क्योंकि बहुत स्ट्रांग यहाँ पर लविंग वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके क्लोज फ्रेंड्स या फिर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन जिसे आपके इस रिश्ते के बारे में पता हो सकता है कि उनकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये समझाए कि नहीं अभी तुम रुक जाओ, अभी मत सोचो इस बारे में, अभी तुम पहले अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड कर लो। तो मतलब ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको लगे कि यार किसी की सुनकर, ये कभी कभी क्या होता है हम किसी की राय लेकर और कुछ गलत डिसीजन लाइफ में ले लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको गाइड करे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो भी आपको सही लगे, जो आपका अंतर मन कहे, वो आप डिसाइड करना, ठीक है? तो ये 15 दिनों के लिए ये आपके लिए स्पेशली आ रहा है। प्लस यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपको लगता है कभी भी कि मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए, मेरे मन में ये बात चल रही है, मुझे ये बात पूछनी चाहिए, तो आपको ज़रूर पूछनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी वजह से आप इस रिश्ते में अटके हुए हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप थोड़ा कंफ्यूज मुझे यहाँ दिख रहे हो कि क्या मुझे ये सवाल अपने पार्टनर से करना चाहिए, अगर किया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, और आप एक कॉन्फिडेंस सा फील करोगे आपकी, यस अब मुझे मेरा ये पर्सन सही लग रहा है, अब मेरे मन में कोई कन्फ्यूज़न इस पर्सन को लेकर नहीं है। अगेन एक्शन, देखिए एक्शन क्या लेना चाहिए, तो उसमें यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार पिछले लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया, मुझे इतना परेशान किया था, मुझे सबने चीट किया था, और आप पास्ट की बातों को लेकर अगर आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आपके क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लो सबसे पहले, तो ये दूसरी बात, बार बार पास्ट की बातें मत सोचो, क्योंकि कभी कभी जो पास्ट कर्मा होते हैं उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, उसको प्रेजेंट से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुद पे विश्वास रखो,
अच्छी और पॉजिटिव अफर्मेशन दो। कभी कभी बहुत देर से हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, लेकिन उस पर भी विश्वास रखना चाहिए कि यस भगवान ने मुझे अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने अंतर मन की सुनो, और जो भी आप पास्ट की जो भी आपकी है पेन है उसको भुलाकर और एक नई लाइफ की शुरुआत करो। तो आउटकम क्या होगा? तो यस अगेन स्ट्रेंथ कार्ड आया है, दोनों स्ट्रेंथ कार्ड हैं, 8 की एनर्जी यहाँ पर है। तो चाहे ये कार्मिक लाइफ होगी आपकी, ये कर्मा ने आपको दिया है, कुछ अच्छे कर्मा आपने किए होंगे तभी आपको ये मिला है, और अगर पास्ट का कोई भी पेन है तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दो। पास्ट के किसी भी एक्स में अगर आप अटके हुए हो अभी भी कि नहीं अगर वो आ जाएगा ना तो मैं इसको छोड़ दूंगी, तो उससे आपको अलग होना चाहिए। यहाँ पे वो अटैचमेंट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उस कनेक्शन को छोड़ो और एक नई शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी की। अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखो, जो पर्सन गया उसको जाने दो, यहाँ पर कहा जा रहा है। इन 15 दिनों में अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील होता है कि यार नहीं वो जो एक्स है मेरा वो आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो नहीं, जो गया उसको जाने दो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने दिल को समझाओ कि नहीं अब मुझे नहीं सुननी है किसी की, जो आज है मुझे उसी पे ही रहना है। जो पर्सन नहीं आया अब तक वो अब भी नहीं आएगा, और अगर वो इतने टाइम तक नहीं आया तो उसको अपनी लाइफ में क्यों जगह देनी है। तो थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ और आगे बढ़ो। चलिए दो आउटकम कार्ड और लेंगे हम यहाँ पर कि 1 से 15 सितंबर तक वृषभ राशि कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ क्या आउटकम रहेगा। बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए आगे दोनों में ही बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। दोनों कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा है फ्यूचर, बस आप विश्वास करके आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर आपने विश्वास किया और अगर आप आगे बढ़ गए तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार, एक नई लाइफ, एक नई शुरुआत आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो आउटकम अच्छा है, बस थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने दिल को समझाना है कि नहीं मुझे पिछला नहीं सोचना है, पास्ट में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ। और अगर फिर भी आप कंफ्यूज है तो आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी से भी पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए कुछ गाइडेंस कार्ड आपसे आपके लिए निकाले जाएंगे। गाइडेंस लेने का मतलब ये है कि जो ये रीडिंग्स होती है ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, अगर आप अपने लिए पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए। देखिए अगेन यहाँ पर फिर से फगिवनेस का कार्ड है, तो किसी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पेन आपके मन में है, कोई धोखा आपके मन में है जिसकी वजह से आप आज तक भी अपने किसी पर्सन पे विश्वास नहीं कर पाते हो, अपनी ग्रोथ को आपने रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच सोच के आप कदम बढ़ाते हो लाइफ में, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीत गया उसको जाने दो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने आने वाले टाइम पे फोकस करो, अपनी हीलिंग करो। यहाँ पे बहुत हीलिंग की आपको ज़रूरत है मुझे दिख रहा है। आप अपने आप को ऐसे मन में छुपा कर बैठे हुए हो, आपने अपने दर्द को ऐसे छुपा लिया है, आपको ऐसा आप लोगों के सामने शो करते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये दर्द मेरे मन से जा नहीं रहा है, एक डर बैठ गया आपके मन में, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर अपनी हीलिंग करो, थोड़ा बाहर निकलो, लोगों पे विश्वास करो, और अगर किसी हीलिंग से आप कनेक्ट होना चाहते हो तो हीलिंग कर सकते हैं आप अपनी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उससे आपकी बहुत अच्छी हीलिंग हो सकती है। और अगर फिर भी कहीं फोकस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने करियर पर फोकस करो, अपने गोल्स को अचीव करने में लगा दो अपनी लाइफ को। तो थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स के साथ, सोशल लाइफ जिस पे आपको विश्वास है उससे बात करने की ज़रूरत है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए लास्ट में देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं वृषभ राशि।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देखिए वो भी आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल में चल रहा है उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, और उन्हें भी ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन मेरा अभी का नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो पिछले जन्म का हमारा रिश्ता है, तो वो भी ऐसा फील करते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, वो भी ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम किस वजह से इतना कंट्रोल करके बैठे हो अपने ऊपर, जो भी मन में है, जो भी दिल में है वो बोल दो, निकाल दो अपने मन से सारी गलतफहमियाँ, जो पूछना है पूछ लो, और इतना कंट्रोल मत करो। अगर मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स है तो उसे मेरे साथ शेयर करो। वेडिंग, देखिए बार बार ये आ रहा था कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग मुझे इन 15 दिनों में नज़र आ रही है, तो ये वेडिंग कार्ड है। जो भी अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे उनकी शादी हो सकती है, और आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी आने वाले 15 दिनों के लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।